दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एम्पायर के बेईमानी का शिकार हुए शुभमन गिल, गलत तरीके से दिया गया आउट तो सचिन तेंदुलकर से लेकर गुस्से से आग बबूला हो गई सारा तेंदुलकर। अब खुद क्रिकेट के भगवान ने की है एम्पायर के इस फैसले की निंदा। तो आखिर क्या था वो वाकया जिस पर सचिन और सारा भी अपना आपा खो बैठे, और क्या कुछ कहा है उन्होंने उनके हैरतअंगेज बयान पर, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और रहाणे में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फाइनल की आखिरी चुनौती में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से भारत को चौथी पारी में 444 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा था, जो इतिहास में कभी चेज नहीं हुआ था। ऐसे में टीम इंडिया नया इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में उतरी थी कप्तान रोहित शर्मा के साथ। शुभमन गिल ने शुरू से ही आक्रमण रुख अपनाया और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, जिनका बखूबी फायदा भी उन्हें मिल रहा था। भारतीय टीम 7 ओवरों में ही 41 रन बना चुकी थी, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को विवादों का अखाड़ा बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 7वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की पहली गेंद पर शुभमन गिल गलती कर बैठते हैं। घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की तरफ चली जाती है, जिसे हवा में उड़ते हुए कैमरन ग्रीन अपने हाथों में थमा लेते हैं। हालांकि पहली नजर में यह बता पाना नामुमकिन था कि उन्होंने कैच पकड़ा है या नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन एम्पायर ने इस फैसले को थर्ड एम्पायर के पास भेज दिया। आपको बता दें, जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि गिल को नॉट आउट करार दे दिया जाएगा, क्योंकि गेंद जमीन से टच हो गई थी और ग्रीन की उंगलियां गेंद के नीचे नहीं थी। हालांकि दोस्तों, ऐसा सभी का मानना था। काफी लंबे समय तक एम्पायर ने सोच विचार किया, लेकिन उसके बाद स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर फैसला आया कि शुभमन गिल आउट हैं। ये देखकर तो पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया था, तो वहीं कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। अब खुद शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर का भी इस घटना पर रिएक्शन सामने आया है। उनके भी गुस्से का ठिकाना नहीं था, और फिर उन्होंने एम्पायर के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम को जमकर फटकार लगा दी। जी हां दोस्तों, गुस्से से आग बबूला सारा तेंदुलकर ने कहा है कि एक तरफ दावा किया जाता है कि हमारे पास हर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे गलत फैसले लिए जाते हैं। एम्पायर आउट देने से पहले क्या सोच रहे थे, किस बेस पर गिल को आउट कर दिया गया, इसका खुलासा वो करें, क्योंकि कोई भी उनकी ये गलती भूलने के लिए तैयार नहीं है। बात सही और गलत है, और यहाँ पर वो गलत है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे गिल और अपने देश के लिए बुरा लग रहा है। आज भी इतना आगे बढ़ने के बाद हम एम्पायर के गलत फैसलों का इस तरीके से शिकार होते हैं। ये क्रिकेट का अपमान है, इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, फिर इसमें ऐसी हरकतें कैसे हो सकती है। हिंदुस्तान के साथ ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हर तरफ केवल नाराजगी और उदासी का माहौल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि गिल आउट थे या नॉट आउट, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।